अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया की आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो बरतानवी राज का जो है वो दौरे हिंद किस तरह का था। बरतानवी राज का जो दौरे हिंद था, अमूमन बरतानवी हुक्मरानी भी उसे कहा जाता है, और ये एक ऐसा दौर था जो 1750 की दहाई से 1947 तक जारी रहा था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया वाज इधर डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट आर कंट्रोल्ड थ्रू लोकल रूलर्स हु वर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज इन द ब्रिटिश एम्पायर। इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इवेंचुअली लीड टू फुल फ्लेज्ड कॉलोनियल रूल। तो इस दौरान हिंद बरह रास्त जो था वो बरतानवी हुकूमत के जेर हुक्मरानी रहा, और मकामी हुक्मरानी के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता रहा, जो कि बरतानवी पॉलिसियों से सख्त मुतासर थे। और बरतानवी सल्तनत के यानी हिंद में जो शमूलियत थी उसका आगाज बरतानवी वंश की हिंदुस्तान कंपनी के साथ हुआ था, और बाद में ये फिर कॉलोनियल रूल की शक्ल अख्तियार कर गया था। और इस दौर ने बरसगीर की सियासी, सकाफती, इकतसादी, समाजी जो है जिंदगी के ऊपर काफी गहरे असर छोड़े। सो बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अराइवल हुई बरसगीर के अंदर, एंड व्हाट वर द की फैक्टर्स दैट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, देन हाउ डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटिटी टू अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। बरतानवी जो मदाखलत का आगाज था, इसमें कौन से ऐसे अवामिल थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बरतानवी मशरकी हिंदुस्तान कंपनी के क्याम की राहमवार की थी, और हम इसमें देखेंगे कि बरतानवी जो मशरकी हिंदुस्तान की कंपनी है उसने किस तरह से एक तजारती इदारे से एक सियासी ताकत में तब्दीली की। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन 1600 बाई क्वीन एलिजाबेथ वन टू कंडक्ट ट्रेड इन ईस्ट इंडिया। इंडिया वॉज मॉडर्न डे साउथ एशिया, बट इट इवेंचुअली फोकस्ड ऑन इंडिया। सो जो इसमें बरतानवी शमूलियत का आगाज हुआ था, बरतानवी मशरकी हिंदुस्तान कंपनी की आमद, बरतानवी मशरकी हिंदुस्तान कंपनी 1600 में मलक एलिजाबेथ अवल के जरिए ये कायम की गई थी, और ताकि जो मशरकी यानी इंडियाज हैं जदीद दौर के, जो मशरकी एशिया, इसमें तिजारत की जा सके। तिजारत की गर्ज से ये कंपनी बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसने जो है वो बरसगीर के ऊपर काफ़ी अपना असर रसूख डालना शुरू कर दिया। 17वीं सदी के जब आगाज़ हुआ तब कंपनी ने बरसगीर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर तजारती मराकज़ कायम कर लिए थे, जिनके अंदर यानी सूरत है, मदारस हैं जो कि इस वक्त चेन्नई है, और इसके अलावा मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, ये ऐसे शहर हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर तजारती मराकज़ इस कंपनी की तरफ से कायम किए गए थे। और इब्तदा जो थी वो कंपनी इब्तदा में यानी एक सिर्फ एक तजारती इदारा थी, जो के मिसालें वगैरह और इसके अलावा कपड़े, चाय और दीगर अशिया की तजारत इसके अंदर करती थी। देन हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटिटी टू अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ पॉलिटिकल पावर। सो दिस शिफ्ट बिगेन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब इन 1707। सो ग्रेजुअली मशरकी हिंदुस्तान कंपनी ने एक तजारती कंपनी से सियासी ताकत की शक्ल अख्तियार की थी, और ये तब्दीली जो थी ये मुगल सल्तनत के जवाल के बाद शुरू हुई थी, खासतौर पर 1707 में शहजादा औरंगजेब की मौत के बाद जो कंपनी थी उसकी फौजी फतोहत उसने हासिल की, खासतौर पर पलसी की जंग 1757, बक्सर की जंग 1764 के अंदर उन्होंने बरसगीर में बड़े इलाकों के ऊपर यानी कि कंट्रोल इन जंगों के जरिए हासिल कर लिया था। सो कंपनी का जो इंतजामी किरदार था वो बरसगीर के अंदर बढ़ता गया, जिसने बरसगीर के बड़े हिस्सों पर हुक्मरानी की, जबकि बरतानवी तजारती जो मफादात थे उसके हवाले से भी उनकी भी नुमाइंदगी की गई। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल फ्राम कंपनी रूल टू क्राउन रूल। सो हम देखते हैं कि वट वर द सिग्निफिकेंट इवेंट्स that lead to the establishment of direct British rule in India after the Indian Rebellion of 1857, and how was the British India administratively structured under direct crown rule? किस तरह से बरतानवी हुक्मरानी का क्याम अमल में आया था, इसमें कौन से ऐसे अहम वाकियात हुए थे 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के बाद जिन्होंने बरह रास्त बरतानवी हुक्मरानी के हमवार की, बरह रास्त ताज की हुक्मरानी के तहत बरतानवी जो हिंदुस्तान था उनका उसका इंतजामी ढांचा कैसा था। So in 1957, the Indian Rebellion, also called the first war of the independence, or the Sepoy
But any shock, breath control, it was a widespread but unsuccessful uprising against the company rule sparked by growing discontent among Indian soldiers and the general population. So, company ki jo hukumrani thi, se Taj ki jo hukumrani thi, yahan tak 1857 mein Bharti Bagawat, jise Azadi ke pehle jang ya Sipahi Bagawat bhi kehte hain, to isne Bartanvi control ko ek tarah se hila kar rakh diya, jo एक वसी लेकिन एक बड़ी नाकाम सतह की बगावत थी जो कंपनी की हुक्मरानी के खिलाफ उठी थी और जिसकी वजह जो थे वो हिंदुस्तानी फौजी और आम लोग थे उनके अंदर इत्मीनान यानी कि अदम इत्मीनान बढ़ रहा था और 1858 में जो है बगावत के कुचल देने के बाद बरतानवी हुकूमत ने मशरकी हिंदुस्तान कंपनी को ख़त्म कर दिया था और हुकूमत हिंद एक्ट जो थी 1858 के जरिए इसको बर रास्त बरसगीर के ऊपर यानी कि इसके जरिए कंट्रोल हासिल कर लिया गया था और बरतानवी राज के आगाज की ये निशानी थी जिसमें 1876 में मलका विक्टोरिया को हिंदुस्तान की जो है वो यानी कि क्वीन करार दे दिया गया था। फिर बरतानवी जो हिंदुस्तान था उसका इंतजामी ढांचा कैसा था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसी थी। बरतानवी हिंदुस्तान को सूबों और रियासतों में तकसीम किया गया था। सूबे जैसे कि बंगाल, मुंबई है, वदारस जैसे सूबे थे, तो इसमें जो है बरतानवी जो यानी बरास बरतानवी मुकर्रर करता जो गवर्नर थे उनकी हुक्मरानी थी। तकरीबन 40% जो हिंदुस्तान रियासतों के ये कंट्रोल में रहा था जो हिंदुस्तानी बादशाहों के लिए ये चलाई जाती थी इससे पहले बरतानवी सरपरस्ती के तहत ये आ गई थी। सो ब्रिटिश जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी बरतानवी सरपरस्ती और उन हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी और दिफा के मामलों में बरतानवी इख्तियार कबूल करना पड़ा था उनको। बरतानियों ने एक पेचीदा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम भी यानी बनाया और मगर भी जो कानूनी जब्ते थे या बरतानवी तर्ज की जो भी तालीमी निज़ाम थे और जदीद जो यानी स्ट्रक्चर थे बेसिक स्ट्रक्चर जैसे रेलवे है या टेलीग्राफ है इनको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था बरसगीर के अंदर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा ब्रिटिश रूल का बरसगीर के ऊपर। बरतानवी हुक्मरानी का इक्तसादी असर कैसा था, वसाइल का इस्तेमाल हुआ। बरतानवी हुक्मरानी का एक बड़ा असर जो था वो यानी जो दौलत की जो भी बरसगीर के अंदर वसाइल के लिहाज से उसका इस्तेमाल किया गया था क्योंकि बरतानिया की कंपनी ने आकर बरतानिया के मफाद को प्रोटेक्ट किया और उसकी इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़रोग दिया, तो इसी वजह से जो बरसगीर के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज थी वो जवाल पजीर हो गई। और इसमें जो बरतानवी सनतें थी उनमें खाम माल था जैसे कपास है, चाय है और इसके अलावा इसमें नील वगैरह है, तो ये फराहम करने के लिए जो है इसके साथ साथ जो बरतानवी तैयार करदा मसनूआत थे उनके लिए मार्केट में इनको तब्दील कर दिया गया था। तो बरतानवी पॉलिसी ने जो भारतीय सनतें थी या खासतौर पर जो कपड़ा साजी की सनत थी उसको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाया और उसकी वजह से जो भी सनती जो है वो तनजली हुआ की हुई थी जिसके नतीजे में क्या हुआ था कि बड़ी सतह के ऊपर गुर्बत पैदा हो गई थी। सो व्हाट चेंजेस वर मेड टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड व्हाट वर देयर इंपैक्ट्स ऑन इंडियन फार्मर्स। हम देखते हैं कि जो बरतानवी हुक्मरानी थी उसके दौरान जमीन की जो भी महसूल का निज़ाम था उसमें क्या तब्दीलियां की गई थी और इनके हिंदुस्तानी किसानों के ऊपर क्या असरात हुए थे। सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिस्टम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू लाइक द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 व्हिच प्लेस्ड हेवी टैक्स बर्डन्स ऑन फार्मर्स। सो दिस सिस्टम्स बेनिफिटेड लैंडलॉर्ड्स इन द ब्रिटिश बट इम्पोवरिश्ड द पेजेंट्री लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट फेमिन डिजीज एक्सट्रीम पॉवर्टी बिकेम रैम्पेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट फेमिन ऑफ 1876 to 1878 caused the death of the millions of the Indians. So बरतानवियों ने ज़मीन के महसूलाती निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे बंगाल में जो मुस्तकिल आबादकारी थी 1793 में जो किसानों के ऊपर भारी टैक्सों का बोझ भी डालती थी, तो ये जो निज़ाम था ज़मींदारों और जो बरतानवी लोग थे उनके लिए ये फ़ायदा मंद था, लेकिन जो ज़मींदार थे यानी जो गरीब ज़मींदार थे उनको इन इस निज़ाम की वजह से नुकसान पहुंचा था जिसकी वजह से बार बार कहत पड़ते रहे, कहत बीमारियां और बाकी शदीद गुर्बत जो थी वो बरतानवी हुक्मरानी के दौरान आम हो गई थी क्योंकि इसमें जो है बरतानिया के लोगों के मफादात को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता था। और मिसाल के तौर पर जिस वजह से 1876 से 1878 का जो भी अजीम बड़ा एक कहत था वो लाखों भारतीयों की मौत की वजह बना था।
So, social and cultural changes under British rule. Introduction of the Western education in English language. What role did Western education play in shaping Indian society during the British Raj? And how did Christian missionaries influence Indian culture and religion during this period? So, social and cultural changes under the British rule. British promoted Western education, introducing English as a medium of instruction in schools and colleges. مغربی تعلیم اور انگریزی زبان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ برصغیر میں ہوا تھا. برطانیہ نے مغربی تعلیم کو زیادہ پروموٹ کیا اور سکولوں اور کالجوں میں انگلش کو یعنی تدریس کی زبان کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا اور ان سے ایک تعلیم یافتہ بھارتی ایک متوسط طبقہ ابھرا تھا, جن میں سے بہت سے جانے کے بعد میں جو بھارتی تھے وہ آزادی کی تحریک کے اندر بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا. جس طرح سے اس کے اندر شخصیات تھیں, راجا رام موہن رائے اور ایشور چاندریا ساگر نے سماجی اصلاحات جیسے خواتین کے حقوق ہیں, تعلیم ہے اور اس کے بعد یعنی شوہر کی تدفین کے اوپر جو بیوہ کو جلایا جاتا تھا, اس طرح کی روایات کے خاتمے کی تو انہوں نے تحریک کی تھی اور جس کی حوصلہ افزائی پھر برطانیہ کی طرف سے بھی کی گئی تھی. ٹھیک ہے, سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کرسچنز مشنریز اینڈ ریلیجیس ریفارمز. برٹش رول آلسو سا دی ارائیول آف دی کرسچن مشنریز ہو اٹیمپٹڈ ٹو کنورٹ انڈینز ٹو کرسچینٹی. وائل دیز ایفرٹس وار لارجلی انسکسیسفل, دے اسپارکڈ کلچرل اینڈ ریلیجیس ریوائول ان انڈیا. موومنٹس لائک برہمو سماج اینڈ آریہ سماج سو ٹو ریفارم ہندوئزم اینڈ ریزسٹ کلونیئل انفلوئنس آن ریلیجن اینڈ سوسائٹی. تو جو عیسائی مشنریاں تھے یا مذہبی اصلاحات تھے کی گئیں تو برطانوی حکمرانی کے دوران جو عیسائی مشنریوں کی آمد ہوئی تھی جنہوں نے بھارتیوں کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی, حالانکہ ان کی جو کوششیں تھیں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے برصغیر میں ایک ثقافتی اور مذہبی حیا کو بھی جنم دیا تھا جس میں جو برہمو سماج تھا یا آریہ سماج تھا اس طرح کی تحریکیں ہندو مت کے اندر اصلاح کی کوششیں کر رہی تھیں اور مذہب اور جو سماج تھا اس کے اوپر جو کلونیل رول کے اثرات تھے اس کی مخالفت کر رہی تھی. دین ریزسٹنس اینڈ نیشنلزم. ارلی نیشنلزم ان انڈین نیشنل کانگریس جو مزاحمت کی گئی اور قوم پرستی کیا تھی برصغیر کے اندر. ابتدائی قوم پرستی اور جو بھارتی قومی کانگریس بنی تھی 19ویں صدی میں, بھارتی قومی جو قوم پرستی اس کی تحریک نے جو ہے وہ زور پکڑا تھا اور برطانوی حکمرانی کے خلاف جو تھی یہ بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے تھی, اور مغربی جو تعلیم یافتہ بھارتی تھے انہوں نے بڑی سطح کے اوپر بڑے حقوق اور خود مختاری کا مطالبہ کیا تھا. اور 1885 میں بھارتی جو قومی کانگریس تھی یعنی آئی این سی یہ قائم ہوئی تھی, اور جس کی نے ابتدائی طور پر جو بہتر اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا لیکن بعد میں وہ خود مختاری کے لیے زیادہ انتہا پسند ہو گئی تھی, یعنی اس نے بعد میں صرف ہندوؤں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا تھا. اور اس کے علاوہ اس میں جو تھے داد بھائی ناوروجی گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگا دھر تلک جیسے رہنما جو تھے وہ ابتدائی قومی تحریک میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا. سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال کی تقسیم کیسے ہوئی اور سوڈاشی تحریک کیا تھی. 1905 میں برطانویوں نے بنگال کو مذہبی خطوط کے اوپر تقسیم کیا تھا, یعنی اسے ہندو اکثریتی اور مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا. سو جو اقدام تھا اس کو تقسیم اور حکمرانی کے طور پر دیکھا گیا تھا, اس نے بڑی سطح کے جو بھی احتجاجات کیے گئے تھے احتجاجوں کو جنم دیا تھا. اور اس میں جو سوڈاشی موومنٹ تھی سوڈاشی تحریک تھی اس کے اندر جو اس تقسیم کے جواب میں ابھری تھی اس نے بھارتیوں کے اوپر یہ اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ برطانوی جو سامان ہے اس کا بائیکاٹ کر دیں اور جو بھارتی صنعتیں ہیں اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ تحریک جو تھی وہ نو آباد دیتی حکمرانی یعنی کلونیل رول کے خلاف اقتصادی مزاحمت کی ایک ابتدائی شکل تھی. سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دا روڈ ٹو انڈیپینڈنس, گاندھی اینڈ دا نان کوآپریشن موومنٹ. واٹ اسٹریٹجیز ڈیڈ ممتا گاندھی مہاتما گاندھی امپلوئی ان دا اسٹرگل فار انڈین انڈیپینڈنس, اینڈ ہاؤ ڈیڈ ورلڈ وار ٹو افیکٹ دا برٹش راج اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دی انڈیپینڈنس آف انڈیا کنکلوژن. مہاتما گاندھی نے ہندوستان آزادی کی جد و جہد میں کون سی حکمت عملی اپنائی, اور دوسری جنگ عظیم نے برطانوی راج پر کیا اثر ڈالا, ہندوستان کی آزادی میں کس طرح سے مدد کی. سو ان 20th century موہن داس
करमचंद गांधी माज इज अ लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 20वीं सदी में महात्मा गांधी भारतीय आजादी की तहरीक के तौर पर भी उभरे थे। उन्होंने अदम तशद्दुद, शहरी नाफरमानी के फलसफा ने जो है वो बहुत सारे जो बरतानवी थे उनके उनको जो है हुक्मरानी के खिलाफ लाखों भारतीय बरतानी हुक्मरानी के खिलाफ एहतजाज किया था और एहतजाज में शामिल हुए थे। और इसके अलावा जो गैर तावन तहरीक थी यानी कि 1920 और 22 की और साल्ट मार्च था 1930 का और छोड़ो भारत तहरीक स्टार्ट की गई थी 1942 में गांधी और भारतीय कौमी कांग्रेस की जानिब से, तो बरतानवी हुकूमत के ऊपर आज़ादी के लिए दबाव डालने के लिए ये जो थी कंपेंस ये काफ़ी बड़ी कंपेंस थी। देन वर्ल्ड वार टू एंड द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। वर्ल्ड वार टू प्लेस्ड इमेंस प्रेशर ऑन द ब्रिटिश एम्पायर बोथ फाइनेंशियली एंड पोलिटिकली। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च द कोट इंडियन मूवमेंट 1942 डिमांडिंग एन इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल। पोस्ट वार द लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज मोर सिंपैथेटिक टू इंडियन डिमांड्स इन वाइड स्प्रेड अनरेस्ट इन इंडिया इंक्लूडिंग द नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946 मेड इट क्लियर द ब्रिटिश कंट्रोल कुड नॉट लास्ट। दूसरी जंग अजीम ने बरतानवी सल्तनत के ऊपर माली और सियासी तौर पर दबाव डाला, ठीक है। और जो भारतीय कौमी कांग्रेस थी उसने 1942 में छोड़ो भारत तहरीक शुरू की थी और इस तहरीक का मकसद क्या था कि जो बरतानवी हुक्मरानी है उसका खात्मा किया जाए। और 1947 में जो बरतानिया ने हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी थी तो इसके नतीजे में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान थे ये दो कौमी रियासतें बनी थी और बरतानवी राज्य का खात्मा हो गया था। तो बरसगीर की तारीख में ये बहुत बड़ी संग मील था जिसने बरसगीर के सियासी, समाजी और इसके अलावा जो इक्तसादी यानी कि जो भी जिंदगियां थी उनकी हमेशा के लिए उनको तब्दील कर दिया, सियासी सतह पर भी, समाजी सतह पर भी और इक्तसादी सतह पर भी। सो द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ब्रिटिश रूल डिड लीव सम पॉजिटिव लेगेसी सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द प्रमोशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, सम रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, चाइल्ड मैरिज एंड द प्रमोशन ऑफ द वुमेन राइट्स वर बेनिफिशियल। सो लिगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था, इसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सो बरतानवी हुक्मरानी ने जो है वो कुछ विरासतें भी छोड़ी थी बरसगीर में, जैसे रेलवेज हैं या टेलीग्राफ है और बाकी जो डाक खिदमात हैं इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था बरसगीर में। कानूनी और इंतजामी निज़ाम का भी क्याम किया था, जदीद तालीम को भी फ़रोग दिया, कुछ असलाहत भी की गई जैसे चाइल्ड मैरिज जैसे जो गैर इंसानी ट्रेडिशंस थे उनका भी खात्मा किया गया, खवातीन के हकूक को भी प्रमोट किया गया। तो इस तरह के जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था यानी बरतानवी हुक्मरानी का हिंदुस्तान की मईशत के ऊपर बहुत बड़ी मदद का तवील मदती एक मनफी असर पड़ा। और इसमें जो दौलत की तकसीम थी इसके हवाले से या वसाइल का इस्तेमाल था और या संतों की तबाही थी, इस तरह के बड़े बड़े अवामिल जो थे वो उसने हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत को बढ़ा दिया। तो जो कॉलोनियल लिगेसी थी उसने मजहबी बरादरियों के दरमियान भी काफ़ी गहरे इख्तलाफात पैदा कर दिए थे जो 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान खून रेजी और तशद्दुद का भी बायस बने थे। सो जो बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका क्या किरदार रहा, बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ एक तजारती तंजीम नहीं थी बल्कि एक सियासी और फौजी ताकत भी थी। सो अपने अरूज के दौर में जो इसकी ज़ाती फौज यानी फौज थी, इसने बरतानवी फौज से इसकी फौज दुगनी थी, कंपनी की आमदन बहुत ज़्यादा थी आमदनी, और इसने यूरोप में बरतानवी जंगों जैसे नेपोलियन की जंग थी इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था क्योंकि माली तौर पर उनको सपोर्ट किया और हिंदुस्तानी टैक्सों से हासिल होने वाली जो भी दौलत थी, वसाइल थे, वो बरतानिया के लिए एक बड़ा जरिया थी। देन डॉक्ट्राइन ऑफ द लेब्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। सो जो इसमें लॉर्ड डेलहौज़ी थे 1848 से 1856 तक उन्होंने गवर्नर जनरल वो रहे और जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स की पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी यानी हक के जवाल की। और इस पॉलिसी के तहत अगर किसी हिंदुस्तानी के जो रियासत है उसके हुक्मरान का कोई बरह-ए-रास्त वारिस ना होता तो बरतानिया इस रियासत के ऊपर कब्जा कर लेता था। सो अब इस पॉलिसी के तहत सितारा, झांसी और नागपुर जैसे अहम रियासतें बरतानिया में शामिल कर ली गई थी और झांसी की रियासत की खासतौर पर रानी लक्ष्मीबानी की
मजामत की वजह से 1857 की बगावत में ये इसको याद किया जाता है। फिर है कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस, यानी सकाफती और मजहबी तौर पर क्या मदाखलत की गई थी बरतानिया की तरफ से हिंदुस्तान में। बरतानवी अक्सर हिंदुस्तानी माशरे को जो थे वो यानी पसमानदा समझते थे और मगरबी जो भी वैल्यूज थे उनको मसलत करने की कोशिश करते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने सती की रस्म के ऊपर पाबंदी आयद की थी, इसमें जो है यानी कि शोहर के फौत हो जाने के ऊपर उसकी बेवा को भी जला दिया जाता था और खवातीन की तालीम को उन्होंने प्रमोट किया। बहुत से हिंदुस्तानियों ने जो है वो उनकी जो कोशिशें थी उनकी दखल अंदाजी उनके सर उनको सरप्रस्ती के तौर पर भी देखा था। तो बरतानवी जो मिशनरीज थे उन्होंने जो है उनको जो है यानी ईसाइत में तब्दील करने की कोशिश की गई, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों में जो नाराजगी थी वो बढ़ती गई। और ये बहुत से हिंदुस्तानियों को खौफ था कि बरतानवी जो थे उनके रवायती मजहबी रस्म और रिवाज को वो ख़त्म करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पेक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, हिंदुस्तानी ज़राअत और सनअत के ऊपर जो है वो क्या असरात रहे। तो बरतानवी पॉलिसियों ने हिंदुस्तानी ज़राअत को भी तब्दील कर दिया, जिससे उसे खाम माल की बरामद कुंदा में बदल दिया गया। तो इसमें जो फसलें थी जैसे कि कपास और नील और चाय जैसी जो नकद फसलें थी उनकी अनाज के उनको अनाज की फसलों के ऊपर तरजीह दी गई थी, फिर जिससे जो है वो खुराक की किल्लत पैदा हुई और कहत का भी सामना करना पड़ा। However, British industrialization led to the import of the machine-made textiles, causing widespread unemployment among Indian weavers. हिंदुस्तानी जो दस्तकारी थी उसकी सनत खासतौर पर तबाह हो गई थी। हिंदुस्तान के हाथ से बने जो कपड़े थे जैसे मलमल का कपड़ा था, रेशम था, तो दुनिया भर में ये कपड़े मशहूर थे। बरतानवी सनती पैदावार ने मशीन से बने जो कपड़े थे उनकी दरामद को फरोग कर दिया और जिससे फिर हिंदुस्तानी जो बुनकर बड़ी सतह के ऊपर बेरोजगार हो गए थे। सो देन फेमिन एंड पॉपुलेशन सर्टेन के तौर आबादी का दबाव था। बरतानवी जो मुआशी पॉलिसियाँ थी उसने हिंदुस्तान में कहत को मजीद बढ़ाया और 1770 का जो अजीम बंगाल कहत था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के दौरान हुआ था इसमें तकरीबन जो है वो 10 मिलियन अफराद हलाक हो गए थे। सो लेटर फेमिन सच इज ग्रेट ग्रेट फेमिन ऑफ 1876-78 इन बंगाल, फेमिन ऑफ 1943 वर मेड वर्स बाय ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिसीज। ड्यूरिंग दिस फेमिन ग्रेन वाज स्टिल एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन इवन एज मिलियंस ऑफ इंडियन स्टार्व। तो इसमें जो 17 बाद के कहत से जैसे 1876-78 का जो एक बड़ा कहत था, 1943 का बंगाल कहत, बरतानवी बरामदी पॉलिसियों की वजह से और भी बदतर हुए और उन कहतों के दौरान भी अनाज बरतानिया को बरामद होता रहा जबकि लाखों हिंदुस्तानी भूख से उस वक्त मर रहे थे। और 1770 से 1943 के दरमियान बरतानवी हुक्मरानी के दौरान हिंदुस्तान में 10 से ज्यादा बड़े कहत आए जिनमें लाखों अफराद हलाक हो गए थे। देन इंडियन रेलवे अ डबल एज स्वॉर्ड, हिंदुस्तानी जो रेलवे था दो धारी तलवार, यानी बरतानिया ने 19वीं सदी के वास्ते में हिंदुस्तान में रेलवे निज़ाम मुतारे करवाया था और 1900 तक हिंदुस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क था। तो इस जो ये रेलवे थे यानी कि इसमें जो मवासलात या ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया गया, उनका बुनियादी जो मकसद था वो जो भी वसाइल थे उनकी निकासी बरतानवी फौजियों की ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना था। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि रेलवे ज़्यादातर जो है वो कॉलोनियल मफादात को पूरा करने के लिए थी, ना कि हिंदुस्तानी तरक्की के लिए। सो तामीरात जो थी कंस्ट्रक्शन जो थी उसकी कीमत हिंदुस्तानी टैक्सों से अदा की जाती थी जबकि मुनाफा जो था वो बरतानिया को जाता था। देन सोशल डिविजन्स डिवाइड एंड रूल, समाजी तकसीम हुई, तकसीम करो हुकूमत करो, बरतानिया ने तकसीम करो हुकूमत करो की हिकमत अमले को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया था जिसके अंदर जो मजहबी और समाजी तकसीम थी उसको मजीद गहरा किया ताकि हिंदुस्तानी इतिहाद को रोका जा सके। और 1905 में बंगाल की तकसीम हुई जहां बंगाल को हिंदू अक्सरियती और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तकसीम किया गया था, ठीक है। और इसमें इसकी हिकमत अमले को की एक अहम मिसाल थी। तो इस जो भी ये तमाम इकदाम थे जिसने जो फिरका वराना कशीदगी थी उसको बढ़ावा दिया और मुस्तकबिल में होने वाले तनाजात को पैदा कर दिया। देन ब्रिटिश इनकरेज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन हिंद व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू द वेनेजियन पार्टीशंस ऑफ द इंडिया 1947। तो बरतानवी हुक्मरानी ने नादानिस्ता तौर पर हिंदुस्तानी कौम परस्ती को जन्म दिया था,
مغربی تعلیم انگریزی زبان جدید سیاسی خیالات کے انٹروڈکشن نے ایک تعلیم یافتہ ہندوستانی متوسط طبقے کو بھی پیدا کیا. تو اس میں جو یعنی کہ کلیدی جو بھی اصلاحات تھیں تحریکیں جیسے برہم و سماج تھی یا اس کے علاوہ اس کے اندر تحریکیں تھی یعنی کہ راجہ رام موہن رائے کی قائم کردہ اور آریہ سماج تھا, اس نے ہندوستانی جو معاشرہ تھا اس کی جدیدیت اور اتحاد کو فروغ دیا جس نے آزادی کی تحریک کے اوپر بھی اثر ڈالا تھا. سو دا رول آف نیوز پیپر سچ از امرتاز نیوز پیپر کا کردار تھا امرت بازار پتریکا اور اس کے علاوہ اس میں تھا دی ہندو, اس نے قومی خیالات کو جو ہے وہ پھیلانے میں اور برطانوی جو پالیسیاں تھیں اس کے اوپر تنقید کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا. دین پرومیننٹ لیڈرز اینڈ ریولیوشنریز, مشہور رہنما اور انقلابی کون تھے؟ مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے رہنماؤں کے علاوہ کئی انقلابیوں نے آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا تھا. اور اس میں جو تھے یعنی رہنما سبھاش چندر بوس, انہوں نے جاپان کی مدد سے دوسری جنگ عظیم کے دوران جو ہندوستانی قومی فوج تھی یعنی INA اس کو جو ہے وہ بنایا تھا. سو چیلنج برٹش رول وتھ سپورٹ آف جاپان ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو جو الٹیمیٹلی انسکسیسفل واز ریمینز ا لیجنڈری فگر ان انڈیا نیشنلسٹ ہسٹری. تو ان کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں لیکن بوس ہندوستانی قوم پرستی کی تاریخ میں ایک اسطوری شخصیت ہیں اور ہندوستان کی جو تقسیم تھی اور اس کے بعد کے اثرات تھے وہ 1947 میں جو ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کے فیصلے نے دو آزاد قوموں ہندوستان اور پاکستان کو بھی جنم دیا تھا. سو تقسیم کے دوران جو تھا ایک بڑی آبادی کی نقل مکانی ہوئی تھی, تقریباً 10 سے 15 ملین لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ ہجرت کر گئے تھے. سو دوسرے ملک میں جب ہجرت کر گئے تھے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بڑی سطح کے اوپر فرقہ وارانہ تشدد ہوا جس میں اندازے کے مطابق 1 ملین افراد جو ہے وہ اس تشدد میں ہلاک ہو گئے تھے. پھر تعلیمی اصلاحات کی گئی کچھ اور فکری تحریکیں بھی تھیں. برطانیہ نے 1857 میں کولکتہ یونیورسٹی اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یونیورسٹی بنائی گئی, مدراس یونیورسٹی, ممبئی یونیورسٹی جیسے جامعات بنائے گئے تھے اور ان اداروں میں قومی خیالات بڑھتے رہے. ادب, تاریخ اور سیاسی فکر میں فکری تحریکوں کا آغاز ہوا. سو انگریزی ادب اور فلسفے کے انٹروڈکشن نے ہندوستانیوں کو یورپی خیالات سے بھی متعارف کروایا جن میں آزادی, مساوات, قوم پرستی کے نظریات بھی شامل تھے جو آزادی کے جدوجہد میں کئی رہنماؤں کے لیے متاثر کن بھی ثابت ہوئے. سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں رول آف وومن ان دا فریڈم اسٹرگل, کیا خواتین کا رول تھا آزادی کی جدوجہد میں؟ تو ہندوستانی جو آزادی تھی اس کی تحریک میں جو خواتین کا رول تھا بہت زیادہ اہم رہا. اس میں جو خواتین تھیں انہوں نے سول نافرمانی تحریک میں بھی حصہ لیا تھا اور احتجاج بھی انہوں نے کیا تھے. برطانوی جو حکمران تھے حکام تھے ان کے خلاف مظاہروں کی قیادت بھی کی تھی جس سے ہندوستانی معاشرے میں ایک روایتی جو صنفی یعنی کہ کردار تھے ان کو چیلنج کیا گیا. سو بہت سی خواتین نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا, انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا جس میں سروجنی نیدو, بیگم, حضرت محل این, ارونا, آصف علی جیسی خواتین نے اس کے اندر شامل رہی. سو برٹش جو حکمرانی تھیں وہ ہندوستانی کی تاریخ کا ایک پیچیدہ دور تھا جس میں جو ہندوستان میں رہنے والے لوگ تھے ان کا استحصال ہوا اور جدیدیت بھی آئی, مزاحمت بھی ہوئی اور اس کے علاوہ اس کے اندر اصلاح بھی شامل تھی. سو اپریسیو اکانومک پالیسیز اینڈ سوشل کنٹرول اوور شیڈڈ اینی پازیٹیو کنٹریبیوشنز, برطانیہ نے انتظامی اور بنیادی جو ڈھانچہ تھا اس کی ترقیات میں انٹروڈیوس کروائیں لیکن ان کی ظالمانہ معاشی پالیسیاں سماجی کنٹرول کسی بھی مثبت پہلوؤں کے اوپر غالب رہے تھے. سو برطانیہ نے جو ہے جو اس کا نوآبادیاتی دور تھا اس نے ہندوستان کی تاریخ کو گہرائی سے متاثر کیا اور اس کا ورثہ آج تک ہندوستان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. سو آج ہم نے دیکھا برٹش رول ان انڈیا, کس طرح سے برطانیہ کمپنی برصغیر کے اندر آئی اور اس نے جو ہے اس کی تجارت کے غرض سے جو برطانیہ کی کمپنی آئی تھی اور کس طرح سے وہ سیاسی طاقت میں تبدیل ہوئی اور کیا کیا اس کے برصغیر کے لوگوں کے اوپر اور برصغیر کے اوپر اثرات رہے اور کیا پازیٹیو ان کی کنٹریبیوشنس تھی, کیا نیگیٹو اثرات تھے. سو ان ٹاپکس کے ریگارڈنگ اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو. اف یو لائک اور ویڈیو دین لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب اوور چینل.